न्यूज़पत्र पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 360 अंक फिसल कर 70,701 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 101 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी 21,353 पर पहुंच गया। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए सस्ता हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,050 रुपए हो गई। हालांकि चांदी 200 रुपए महंगी हो गई। अब दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत चढ़कर 76,200 रुपए पर पहुंच गई। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बुलेट को नए मिलिट्री सिल्वर ब्लैक और मिलिट्री सिल्वर रेड कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है, जिसकी कीमत 1,79,000 रुपए रखी गई है, जबकि हाई स्टैंडर्ड वेरिएंट में गोल्डन पिन स्ट्रिपिंग की कीमत 1,97,000 रुपए है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन यानी करीब 250,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। माइक्रोसॉफ्ट इस आंकड़े को पार करने के मामले में एप्पल के बाद दूसरे नंबर पर है। ओपन एआई से करार के बाद कंपनी के स्टॉक में लगातार तेजी देखी जा रही है।